करके है इस रूट पे। ये देखो ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, मिट्टी देखो कैसे उड़ रही है। ये आप देखो भाई जी, ये ब्यूटी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी या यहाँ देखने को मिलेगी। ओ भाई खत्म खत्म, हमारा काफी लंबा चौड़ा काफिला है, इसके बर्फ ही बर्फ पड़ी है भाई यहाँ पे। इस गाड़ी का कोई भी तोड़ नहीं बना। हमारी थार पहुंच गई है कुंजुम टॉप। ओ भाई आई पास में आवाज नहीं आ रही है। मामला, ओ हो हो हो, ब्रेक मत देना। इस बाइक का यार गियर भी टूट गया है, ये डब्बा। लेकिन यहाँ पे अब कोई नहीं है भाई, वो देखो गाड़ी स्किड कर गई, क्योंकि ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है भाई। गाड़ी चढ़ाने में कितनी दिक्कत आ रही है। हमारे साथ के जितने भी व्हीकल थे ना, सारे के सारे निकल चुके, पड़ा स्लश। और ऊपर देखो किस तरीके के माउंटेन आ गए हैं। देखो कैसी रोड है यार, पूरी रोड पर पत्थर पड़े हैं। आगे हो रहा है स्नोफॉल, आप देख सकते हैं शानदार। भाई लोग भी पहुंच गए और मेरे को वेलकम करने सामने पहुंचा राहुल भाई है। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी देखिए सुबह के 6 बजे हम उठ चुके हैं हमारे हॉस्टल से, और अभी हमारी तैयारी है काजा से मनाली रूट की। और देखो ओडिन आया मुझे उठाने के लिए। मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी देखिए कॉफी ले रहे हैं हम, साथ में ब्रेड टोस्ट, और इसके बाद में हम आगे की जर्नी करेंगे काजा टू मनाली के लिए। आज का रास्ता काफी टफ रहेगा, तो पहले हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। 7 भी नहीं बजे अभी तक और हम गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आ चुके हैं। एग्जैक्टली क्या है, यहाँ रात में टेम्परेचर बहुत डाउन था और आज यहाँ पे स्नोफॉल भी बता रखी है। भाई पहले क्रैंक में तो बात ही नहीं बनी, एक ट्राई और करेंगे। भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही ठंडी में, इतनी ठंडी है यहाँ पे। लास्ट ट्राई, गाड़ी ने दम ले लिया। हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। ओ भाई बड़ा टफ होके गाड़ी स्टार्ट हुई है सुबह सुबह। बिल्कुल नई गाड़ी है लेकिन फिर भी देख लो, तीसरे क्रैंक में स्टार्ट हुई आज। थार लास्ट 15 मिनट से मैंने कंटिन्यूसली स्टार्ट रखी क्योंकि डीजल इंजन है और काफी ठंड थी इधर, और स्नोफॉल के भी चांसेस बता रखे खड़ी, और इसकी बाइक पे हल्का सा गर्म पानी मारने से स्टार्ट हुई है। सो ये गाड़ियां लगा दी हमने लाइन में, एक फोटो ग्रुप फोटो लेने की प्लानिंग चल रही है। मौसम बहुत ठंडा है अभी मॉर्निंग में, टाइम भी लगभग 8 बज चुके हैं तैयारी करते करते, एंड अभी बिल्कुल रेडी हैं और एक आध ग्रुप फोटो लेंगे। हाथों की हालत बहुत खराब हो गई है, फिर निकलते हैं हम, कंटिन्यू करते हैं जर्नी आगे। तो फाइनली सभी गाड़ियां रेडी हो गई है और हम चलेंगे लाइन में, और भाई की गाड़ी के टायर में थोड़ी हवा कम हो गई। वैसे तो यार हम चाह रहे थे कि धूप निकलने से पहले पहले निकले, लेकिन अभी लेट हो गए हैं, करीब 8:30 हो गए हैं। होपफुली हम 9 बजे तक उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां से हमें वो परमिशन वगैरह मिलती है, एंड आपको ये यहीं मिलेंगे बैठे हुए। कोई कहा जाए यहाँ भाई, आपको बाहर के बाहर मिल जाएंगे। कपिल भाई इनके पास रुके, अच्छा स्टे है इनका, हम लास्ट 3 डे से यहीं रह रहे हैं। ओके कपिल भाई बाय, हाँ मिलेंगे जल्दी। सारी तैयारियां हो चुकी है और हम भी निकल रहे हैं लेके बाबे का नाम, हर हर महादेव। और इस खूबसूरत सी डेस्टिनेशन को छोड़ के जाने का टाइम आ गया। तो भाई हम निकल रहे हैं अभी काजा टू मनाली वाले रूट पे। तो जी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं बाकी लोग, एक गाड़ी आगे चल रही है, आज हम पूरा ग्रुप के साथ चल रहे हैं ताकि ये वाला रास्ता है बहुत ज्यादा टफ। इन सब में अपनी ही गाड़ी है 4x4, तो एक ये भी हो जाएगा इन लोगों को ये है कि भाई इनके ऐसा कुछ नौबत आती है तो यार हमारे पास 4x4 गाड़ी है, मैनेज हो जाएगी चीजें। ये रांगरिक नाम की जगह आ गई है और छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो यहाँ खड़े हैं, और रांगरिक से होते हुए ये रास्ता आगे जाएगा। कल हमने जो कैंपिंग की थी वो आपको सामने मोनेस्ट्री दिख रही है, उसके जस्ट नीचे और इस रोड के बीच में की थी। इसके नीचे की ये स्ट्रक्चर देखो आप कितनी खूबसूरत है। इस रूट में ना बड़े सुंदर सुंदर व्यू आएंगे, लैंडस्केप आएंगे, तो वो हम सारा कुछ शूट करते रहेंगे। व्यू देखो इस रूट का ना, कोई ज्यादा बढ़िया वीडियो आज तक यूट्यूब पे मेरे को मिला नहीं। हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा रोज चीजें दिखाएं यहाँ की। इस तरफ बीआरओ के वर्कर लगे हैं रोड का काम करने के लिए, और लैंडस्केप देखो कितने खूबसूरत है। व्यू देखो, नजारे देखो। अगर ग्रुप नहीं जा रहा होता ना तो हम बढ़िया से ड्रोन फुटेज भी लेते, मतलब 2-4 गाड़ियां यार हम रुक रहे हैं, हमारी वजह से बाकी लोग भी परेशान होंगे, तो इस चक्कर में मैं ड्रोन शॉट नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन कोई बढ़िया जगह आएगी ना तो ड्रोन शॉट भी लेंगे, सब चीजें आपको दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रोड पतली होती जा रही है। यहाँ से मनाली है 180 किलोमीटर, तो जो मैप से बताया जाता है वो कम है, और अभी ना पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। सचिन भाई का कोई सामान गिर गया था, उतर के चीजें वो सही कर रहा है, और सभी गाड़ियां लाइन से चल रही है हमारी। कोई भी जो जिस तरीके से हमने हॉस्टल से शुरू किया है सेम उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं।
बाइकर्स को हमने इसलिए आगे कर दिया बिकॉज यहाँ मिट्टी बहुत उड़ती है रस्तों में, और व्यू तो भाई गजब है, गजब जगह ही बहुत गजब है, और मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और हमारी थार तो हर चीज में फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ले रही है, मतलब ऑफ रोडिंग तो भर भर के है इस रूट पे भर भर के, लेकिन यार कर लेंगे हम आराम से, इतना आई एम श्योर कि हम कर लेंगे। लोसर तक का अच्छा रास्ता बताया, मीन्स ये इस रास्ते को अच्छा बताया, इसके बाद में लोसर आएगा फिर तो पता नहीं कैसे रास्ता आएगा। गाइज 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 रास्ता देखो कितना ऑफ रोड है, अभी तो लोसर भी नहीं आया यहाँ से, 32 किलोमीटर दूर है। लैंडस्केप बहुत ज्यादा शानदार है यहाँ के। आगे लोसर नाम की जगह आएगी जहाँ चेक पोस्ट आएगा, उस चेक पोस्ट पे कुछ ब्रेकफास्ट या परोंठे या कुछ अच्छी सी चीज खाएंगे ताकि शरीर में एनर्जी रहे। आगे थोड़ा हाई पासेस भी आएगा, एक रास्ते में कुंजुम पास आएगा जहाँ स्नोफॉल भी बता रखी है, एंड यार किस्मत से स्नोफॉल मिल गई तो मजा आ जाएगा। थार खड़ी है ये गाड़ी आगे, और देखो आगे सामने स्नो माउंटेन्स इधर भी दिख रहे हैं, एंड पीछे क्या गजब गजब नजारे थे, और ये सारे भाई लोग, और ये हमारे राइडर भाई। क्या कर रहा है? एवरीबॉडी व्यू तो भाई प्यार हो जाएगा इस रास्ते से, और ये ब्लॉग अगर लंबा हो जाए ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इधर का आप देख सकते हो नजारे, एक से बढ़ के एक, मतलब चीजें, मैदान, पहाड़, लैंडस्केप, सब चीजें बहुत सुंदर है। ये जो व्यू देख रहे हो ना आप गाइज, यहाँ कहीं अगर कैंपिंग की जाए ना, गर्मी में आओ, समर में अगर आपको कैंपिंग ट्रिप करनी है तो इस टाइम तो यहाँ पे ओवर ठंडी हो रखी है। ये देखो ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, और सामने के नजारे भी बहुत जबरदस्त है, और नीचे का नजारा तो सुपर डुपर ऑसम है, और आगे चल के एक आ रहा है ब्रिज, और नजारे तो भाई सुपर डुपर ऑसम है, सुपर डुपर ऑसम। क्या नजारा है, क्या नजारा है, और जन्नत किसे कहते हैं, ये जगह ही जन्नत है। गाड़ी पूरा झूल झूल के चल रही है, और इधर के नजारे देखो आप, नजारे और माउंटेन्स रेंज, सामने स्नो माउंटेन, वो एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल यार। तरफ गाड़ी देखो कैसे धूल उड़ाती हुई जा रही है, लाल कलर की मिट्टी, और हम चल रहे हैं व्हाइट मिट्टी में, क्योंकि अगर उसके पीछे रहे ना तो हमारी गाड़ी लाल भी हो जाएगी थोड़ी सी देर में। और सामने से देखो लॉर्ड एल्टो इस रास्ते से होते हुए आ रही है, इधर कई सारे गांव है तो लोसर तक तो छोटी गाड़ियां भी चल जाती है आराम से, उसके बाद यार थोड़ा सा टफ शुरू हो जाता है मामला, अभी थोड़ी सी डंकी रोड आती है, आइए तो थोड़ा ढंग से चला लेते हैं। नीचे इतनी मिट्टी है ना, आप पीछे की साइड में देख सकते हो कि किस तरीके से उड़ रही है, आप देखो बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ रही है यार, पीछे वाली गाड़ी ने भी कम से कम अच्छा खासा गैप दे दिया, गैप लेके चल रहे हैं थोड़ा सा मिट्टी की वजह से। और मैंने अभी इंस्टा 360 बाहर नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है मिट्टी बहुत ज्यादा है और कैमरे की हालत खराब हो जाएगी। ये देखो थोड़ा सा तगड़े वाली स्टीप चढ़ाई है, ये स्टीप चढ़ाई, और आगे का नजारा थोड़ा सा देखना कम हो जाता है जब स्टीप आता है। थोड़ी ठीक ठाक आ गई है तो थोड़ा ठीक लग रहा है अभी ड्राइव करने में, थोड़ा रोड अच्छी आ गई है। और आप इस एरिया में क्या स्नो लेपर्ड भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसके जस्ट उस तरफ है किब्बर वैली, तो यानी कि इस तरफ भी स्नो लेपर्ड देख सकते हो आप लोग, अगर मतलब दिखता है तो। लेकिन क्या है, लेपर्ड एक शाही एनिमल होता है तो इजिली नहीं दिखता, और ये माउंटेन देखो, और ऐसे पहाड़ों में रहते हैं स्नो लेपर्ड। क्याटो करके नाम है इस गाँव का, और यहाँ थोड़ा नेटवर्क भी आया है, यानी कि जो लोसर है ना, लोसर से पहले पहले तो नेटवर्क रहता है, रोड भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो है भाई। और ये देखो गाय वाय इधर काफी देखने को मिल जाती है, गाय और क्या वाइल्ड लाइफ वाला सा इलाका है, लेकिन ये है ना जो स्नो लेपर्ड है इनसे बच के रहना पड़ता, बड़ा खतरनाक जानवर होता है ये भाई, शिकार बड़ा शांति से करता है। गाय मिट्टी देखो कैसे उड़ रही है, ये आप देखो गाड़ी से, और इनके इस गाड़ी के पीछे देखो यार बहुत बुरा हाल है, अलग अलग सी चलानी पड़ती है, और हमारी गाड़ी के पीछे देख लो आप, भर भर के मिट्टी उड़ रही है, भर भर के बुरा होला। अपनी गाड़ी से तो ज्यादा उड़ती है क्योंकि इसका टायर है मोटे, मोटे टायरों से ज्यादा मिट्टी उड़ती है। गाइस ये ब्यूटी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी या यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि पीछे माउंटेन्स है, उनकी छाया पड़ रही है इनपे, क्या सुपर ऑसम जगह लग रही है क्या। ये देखो इस तरफ स्नो माउंटेन्स आ गए हैं, और ये आगे एक छोटा सा गाँव आया है, नाम कन्फर्म नहीं है कि क्या है, इनक्रेडिबल माउंटेन्स। हम अभी एक विलेज क्रॉस करके आए हैं, और लोसर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, इस माउंटेन के बिल्कुल पास आ गए हैं, और कितना सुंदर नजारा है।
किस तरीके से बर्फ जमी पड़ी है ये आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखो अरे भाई पत्थर बना पड़ा है, पत्थर बहुत ही गजब है। और ये आप देखते हो तो पूरा स्नो माउंटेन्स है और हमारा काफला आगे की तरफ पड़ गया है। ये अपनी थार खड़ी है और ये सारा स्नो माउंटेन है और मुझे लगता है मैं इस पे चल भी सकता हूँ। ओ भाई चल लिया चल लिया। ओ भाई खत्म। यहाँ से थोड़ा सा हम लोसर पहुंच गए, यहाँ से कुछ खाएंगे पियेंगे। और ये अपनी गाड़ी की कंडीशन देखो, बिल्कुल मिट्टी से भर गई। अल्लाह ये कुछ हमें राइडर मिले हैं, दे ऑल आर फ्रॉम न्यूजीलैंड। ऊपर के माउंटेन्स पे स्नो है और टेम्परेचर काफी अच्छा है। ये एक वार्निंग भी लिखी गई है आप देख सकते हो सामने, ये यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे। फिर ये हमारी सारी गाड़ियाँ हैं, पीछे भी है। और ये भाई ये आगे चेक पोस्ट। बहुत ज्यादा हमने थोड़े बहुत ड्रोन शॉट लिए हैं। नीचे की साइड में शायद ये रिवर साइड है और ये हमारे सारे दोस्त हमारे सभी साथ हैं और ऊपर सारे स्नो माउंटेन्स। ये वाले तो भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये भाई मेरे अपने धर्मशाला से, ये दिल्ली से हम सभी साथ साथ जा रहे हैं। और इसको तो आप जानते हो, हमारा सुपर स्टार लाल जैकेट वाला, हमारा काफी लंबा चौड़ा काफिला है। गाड़ियां ये देख सकते हैं आगे और हवा बहुत ज्यादा तेज है। थोड़ा सा रोड का काम हो रहा है और हम अभी निकल लेते हैं, हमारे लिए जगह बना दी गई है। थैंक यू सो मच। और अपनी गाड़ी निकल जाएगी अब। बड़ी शानदार रोड चल रही है और ये क्या लिख रखा है, चंद्रताल प्रोटेक्टेड एरिया है। अच्छा आगे चल के चंद्रताल भी है और वो सामने जो आपको दिख रहा है ना, वो पूरा पूरा व्हाइट स्नो माउंटेन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये इस तरफ वैली भी बहुत सुंदर है, इधर मतलब इंसान बस नहीं सकता है इजिली तो नहीं, क्योंकि इधर एक ऑक्सीजन इश्यू हो सकता है, हाइट है, यहाँ कुछ सोर्स नहीं है ज्यादा, आप चीजें नहीं रख पाएंगे। और यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है इस रूट पे, बहुत ज्यादा भर जाएगा थोड़े से दिन में ये। तो गाइस ये आप गेट देख सकते हैं, यहाँ चल रहा है थोड़ा रोड का काम और अपनी गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत सुपर है इस रोड पे। आप देख सकते हैं अभी जस्ट ये थोड़ा सा क्लियर किया है इन लोगों ने और वो सामने की साइड में जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, वो है कुंजुम पास। और नीचे की तरफ भी आप बर्फ देख सकते हो, यहाँ रोड के बिल्कुल नीचे तक बर्फ है और कुंजुम पास पे तो तगड़ी स्नो है भाई, तगड़े वाली, मजा आ जाएगा। वाटर क्रॉसिंग आ गया, नीचे की साइड में बर्फ पड़ी है, थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा क्योंकि भाई यहाँ है बर्फ, वो भी अच्छी खासी बर्फ, बर्फ ही बर्फ पड़ी है भाई यहाँ पे तगड़े वाली। और ऊपर से आ रहा है और नीचे है ब्लैक आइस, ये देखो बड़े आराम से निकल गई और नीचे ये देखो बर्फ ही बर्फ पड़ी है। तो गाइस देखिए बड़ा प्यार प्यार से चलना पड़ रहा है, रोड छोटी छोटी सी है और रास्ते इतने डेंजरस हैं। ये आप यहाँ पे एक बार आते हो तो आपको पता चलता है कि कितने खतरनाक रास्ते हैं और स्टीप चढ़ाई है मेन, ये है सबसे गंदा पंगा जो है वो है यहाँ पे, स्टीप चढ़ाई है और स्टीप स्टीप से रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। और जो चंद्रताल का रास्ता है ना वो अभी बंद है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो किधर से है रास्ता अभी तक, क्योंकि मेरे लिए रूट फर्स्ट टाइम है। ये एक और वाटर क्रॉसिंग आई है, लेकिन अभी क्या है ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जम गई है तो इतना दिक्कत नहीं आता है, यहाँ पे हल्की हल्की सी ब्लैक आइस पड़ी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये इधर से मैं निकालू तो इधर प्रॉपरली बर्फ जमी पड़ी है। और ये देखो ये इस तरफ ये इधर बर्फ है, मैं एक टायर को इधर डालता हूँ इसमें बर्फ में और ये देखो किस तरीके से बर्फ जमी पड़ी है, बहुत ही शानदार। हमारी गाड़ी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतनी सी ब्लैक आइस से, और हमने एक टायर डाला भी बर्फ में। और अभी सामने की साइड में कुंजू पास दिखाई दे रहा है। तो गाइस कैसे कैसे रास्ते हैं, बिल्कुल तगड़े वाले ऑफ रोड है, तगड़े वाले ऑफ रोड है। और हम देखो दूसरे गियर में गाड़ी को जो रहा है बोलो। नहीं कई बार क्या है स्टीप चढ़ाई आती है और मेरे साथ क्या है इतने सारा ग्रुप जा रहा है, नहीं तो हमारी थार तो भाई बहुत सुपर फास्ट चलती है। हो भाई इस गाड़ी का कोई भी तोड़ नहीं बना, ना बन सकता मुझे लगता है, लॉर्ड एल्टो, लॉर्ड एल्टो है। फाइनली I'm on the top of the Kunjum Pass और हाइट है यहाँ की 4590 मीटर। और ये हमारी थार पहुंच रही है कुंजुम पास, हमारी थार पहुंच गई है कुंजुम टॉप। हमारे आज के दिन का, हमारी पूरी ट्रिप का मुझे लग रहा है कि ये पहला
हाई पास आया है जो अभी हम पहुंचे हैं, और ये यहाँ पे गोम पास देखने को मिल रहे हैं, और पीछे की साइड में स्नो माउंटेन, और ये हमारे भाई, ये भाई हवा ठंडी है जी है कुंजुम टॉप। लोग अंदर की साइड में जाके बहुत फोटोग्राफी कर रहे हैं। अंदर ये लॉर्ड बुद्धा का है स्टैचू बना हुआ, एंड हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। ये देखो, ओ हो सुपर सुपर, यहाँ ड्रोन नहीं उड़ सकता, एक पल भी ड्रोन नहीं उड़ेगा यहाँ पे। और इतनी ठंडी है कि हमने तो भाई ये सब पहन लिया है, जब लुक वुक जैसी मर्जी आ जाए, लेकिन व्यू बहुत बढ़िया है। बर्फ देखने को मिल रही है हमें इधर भी। मैंने ट्राई भी किया यहाँ पे ब्लैक आइस में ही गाड़ी अपनी चलाई हर जगह, अपनी थार का परफॉर्मेंस सुपर सॉलिड है, बहुत बढ़िया। तो भाई हाई पास में आवाज नहीं आ रही है, अभी निकलते हैं यहाँ से, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी आपको। ये गाइस जो आपको सामने दिख रहा है ना, कितना खूबसूरत माउंटेन देखने को मिल रहा है हमें, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। ये आ गया ऑफ रोड, थोड़ा सा रिस्की रहता है ये, यहाँ से काटना। तो ये पूरा ब्लैक आइस है नीचे साइड में, बस यहाँ पे ना ब्रेक ना दो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सब बढ़िया चलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे भी ब्लैक आइस है, अच्छी खासी है यहाँ तो, अच्छी खासी है। ये अपनी गाड़ी आगे फंस रही है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बड़ा कट दोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, छोटे कट में दिक्कत है यार। इनकी गाड़ी इन्होंने थोड़ा सही से नहीं किया, चलने ध्यान दे, जाने हल्का सा बैक लेना पड़ेगा इनको, दोनों टायर बर्फ में जा रहे हैं इनके, थोड़ा रिस्की हो गया अभी यहाँ से। ओहो हो 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 मामला, ओ हो 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 हो, बिल्कुल इधर कर लो, बिल्कुल और कर लो, और काट लो, ब्रेक मत देना, ब्रेक मत दो बिल्कुल। तो देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा टफ है मोड़ना अपने, अभी करते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर देते हैं हम। सचिन पीछे रहना, पीछे अभी मत आ, ब्रेक मत देना, बिल्कुल भी ब्रेक मत देना भाई, हाँ बिल्कुल अंदर से काटो, ब्रेक मत देना। थार तो यार ट्रैक्शन कंट्रोल लगाने से आ गई, अपने बाइकर भाई भी आ गए, सचिन भाई उनकी गाड़ी निकलवानी है, कहीं फंस ना जाए वो, ऐसी जगह आ जाए ना, ब्रेक देते ही गाड़ियां स्किड मारती है भाई। ये फिर से आगे ब्लैक आइस है, टोटली इस एरिया में ना ब्लैक आइस ज्यादा देखने को मिल रही है। रोड किनारे यहाँ भी स्नो है, बट थोड़ी पुरानी है, नई नहीं है, तो इधर थोड़ा सा संभल के चलते, क्योंकि एक तरफ खाई है बहुत गहरी। बाइक जो दूसरा लड़का लेके आया, जिस जो पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसकी बाइक का गियर भी टूट गया यार, मतलब इस रास्ते पे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने उसको बोला अभी जो गियर लगा हुआ है ना, बस उसी में आराम आराम से नीचे उतरो, क्योंकि गियर मत चेंज करना, क्योंकि सामने से कोई व्हीकल आ गया या ऐसा कुछ हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम उसका कुछ समाधान करते हैं। वाटर क्रॉसिंग है, बस छोटी है, लेकिन ये ना वाटर क्रॉसिंग जब समर रहता तब यहाँ से भाई निकलना टफ बहुत होता है इस जगह से, ये तो जगह अभी सही है क्योंकि ऊपर बर्फ जम गई है पानी में। ये जो आगे रोड जा रहा है ना, ये रोड आगे जाता है चंद्रताल को, जिसको भी पत्थर पत्थर डाल के बंद कर रहे हैं। वैसे ये रास्ता बहुत शानदार है, लेकिन ये देखो इस पे बोर्ड भी लगा चंद्रताल का, लेकिन अभी रास्ता बंद कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है तो चंद्रताल जाना थोड़ा सा टफ है, इसीलिए एक दो जगह थोड़ा सा दिक्कत आई थी ब्लैक आइस में। लेकिन यार अपनी गाड़ी तो आराम से हर जगह बहुत बेस्ट परफॉर्म कर रही है। वो आगे जो गाड़ी जा रही क्रेटा, वो उसके टायर घूम गए थे वन व्हीकल एट ए टाइम, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी के ब्रिज रहते हैं यार,
आप देख सकते हो। और ये वाला ब्रिज अब हम क्रॉस करेंगे, कम से कम इस रोड पे कुछ तो देखने को मिला कुंजम पास क्रॉस करने के बाद में। गाड़ी खड़ी है और इधर एक प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी। इस बाइक का यार गियर भी टूट गया है, ये एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। आप देख सकते हो पीछे सचिन भाई की बाइक तो ठीक है, यह मामला बहुत खराब है। और वो ऊपर जो आप देख रहे हो वहाँ पे हाई पास पे स्नोफॉल भी हो रही है, नीचे की साइड में छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं जहाँ अभी कोई नहीं है यहाँ पे। और ये है चाचा चाची ढाबा जो कि काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये वेदर अभी यहाँ पे रहने लायक नहीं है। ये आप देख सकते हो चाचा चाची ढाबा, लेकिन यहाँ पे अब कोई नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। दूर दूर तक आप देख सकते हो यहाँ लोग खाने पीने के लिए बैठा करते थे, लेकिन यहाँ यार अब रहने लायक जगह नहीं है। ये पीछे से कंडीशन देखो कितनी बुरी हो गई है मिट्टी से। अभी तो मेन प्रॉब्लम है गाड़ी का यार, इस बाइक का दूसरा गियर भी लग जाए ना तो भी काम थोड़ा बहुत निकल सकता है। केरला से हैं ये, पीछे भी मिले थे हमें क्योंकि थोड़े बहुत ही टूरिस्ट है ऊपर, क्योंकि ज्यादा नहीं। आप देख सकते हो यार यहाँ कंडीशन ही नहीं है रहने लायक, अभी सारे ढाबे खाली हो चुके हैं, लोग जा चुके हैं और ऊपर स्नोफॉल हो रहा है। कुछ हेल्प ले रहे हैं कि कोई जुगाड़ हो जाए तो यार ज्यादा जरूरी है। ये लड़का ना कांड करा के मानेगा मेरे को लग रहा है, ये इसको ना थार से टोचन करेंगे। आपसे देखो नहीं पास पास हो ना भाई, ये देखो दोनों जुड़वा भाई, यार शक्ल में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों सलमान खान। या भाई इस जगह पे कोई छलावा मिल गया मुझे, भूत बात तो नहीं है तो अबे दोनों सेम टू सेम है, अरे ऐसा ही हेयर स्टाइल। वाह भाई केरला से हो भाई, केरला में कहाँ से? कुची से। ओके ओके। ये इस टाइम ना मौसम चेंज हो जाता है और इतना ठंडा हो जाता है कि रात में यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है। और ये भाई लोग आगे आगे, क्योंकि ये आगे वाला लड़का है, इसके साथ में यार कई सारे कांड हो गए यार ट्रिप में, बहुत सारी चीजें टूटना है, गिर जाना, एक्सीडेंट हो गया, अभी गियर टूट गया। यार भगवान सेफली लेके जाए तो ज्यादा बढ़िया है, आराम आराम से। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी बाइक में अभी गियर का भी दिक्कत हो गया है, तो हमने तार वार से बांध के एक बार जुगाड़ तो कर दिया है। और पता क्या होता है इस सीजन में, अगर आप आने की सोच रहे हो स्पीति वगैरह बाइक से, तो यार प्लीज अवॉइड करो यार, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कई बार। क्या होता है कि बाइक ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ दो पहिए का साधन है, उसमें क्या रहता है कि कोई भी इशू हो गया ना, तो ये काजा मनाली वाला रूट है ना, इसमें तो भाई कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। तो आप इस तरीके के रिस्क बिल्कुल मत लें, और ना आपको इंसान मिलेगा रास्ते में कहीं भी, मतलब कोई गाड़ी वाला मिलता है वो इतना मदद नहीं कर पाएगा आप लोगों की। लोकल्स जो होते हैं या कोई स्टोर होता है, ऐसे कोई भी लोग नहीं मिलेंगे आपको। अभी मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ सबका ख्याल रखते रखते, क्योंकि अपने पीछे भी कोई नहीं है, जस्ट बिकॉज कि यार इन लोगों के सबके साथ में दिक्कत है, और आगे बादल छा रहे हैं, इट मीन्स आगे स्नोफॉल भी मिल सकती है, और अगर स्नोफॉल मिली तो यार और दिक्कत हो जाएगी यार, उसकी बाइक भी खराब है। लेकिन पहले तो मेरे को यह था कि स्नोफॉल मिल जाए तो बढ़िया लगेगा, लेकिन अभी ये लग रहा है कि स्नोफॉल मिली तो दिक्कत भी बढ़ सकती है, क्योंकि अब उसकी बाइक कहाँ छोड़ के जाएंगे फिर। बाहर की साइड में स्नोफॉल होने लग गया है, छोटी छोटी बूंदे आके गिर रही है, और गजब यार वाटर क्रॉसिंग आ गई है बड़ी सी, कहीं अच्छे खासा स्नोफॉल मिलेगा तो यार मजा भी आएगा, मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। रास्ते बड़े डेंजरस है यार, पहले तो मेरे को ये एडवेंचरस लग रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि थोड़े से तो खतरनाक रास्ते हैं, और हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है यार यहाँ पे, हल्का हल्का सा सामने से आके हमारे शीशे से टकरा रहे हैं, लेकिन कैमरे में नहीं आ रही। गाइस थोड़ा सा क्या ऑफ रोड चल रहा है, अभी ऑफ रोड में थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है यार थोड़ा। अभी वो देखो गाड़ी स्किड कर गई थोड़ी सी हल्की सी, और पहले गियर में धीरे धीरे करके चलाना थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ियां स्किड कर जाती है, और गंदी चढ़ाई है गंदे वाली, और हमारी थार भी अच्छी खासी हिल रही है, बट स्किड स्कूड नहीं किया भाई हमने, ये काम बढ़िया हो गया। और सामने के साइड में भाई वहां मुझे लग रहा है फॉल अपने को ज्यादा देखने को मिलेगा, एक तरफ चल रही है नदी और सामने वो जो माउंटेन है वहां तो भाई तगड़ी स्नो हो रही है, देखो आप कितनी तगड़ी स्नो फॉल हो रहा होगा। फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे, ये देखो, और सामने से आ गई गाड़ी, ABHP नंबर थार है,
अब देखो थार वार थोड़ा सा ठीक परफॉर्म कर देती है ऐसे जगह पे। और ये अपने दोनों भाई जुड़वा भाई जुड़वा भाई ये देखो आजो पीछे पीछे ये देखो थोड़ा सा ऑफ रोड आ गया है क्योंकि ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है भाई, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। धीरे धीरे अपने टॉर्क से चढ़ने रहते हैं। और ये रूट खतरनाक तो है, खतरनाक है, तगड़े वाला। और सामने वो देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है नीचे तक। मुझे लग रहा है हमें स्नोफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। गाड़ी चढ़ाने में कितनी दिक्कत आ रही है यार, कितनी दिक्कत आ रही है वेन्यू वाले को। हमारी गाड़ी के बोनेट पे देख सकते हो व्हाइट व्हाइट, और सामने से जो आ रहे हैं ना ये देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है बट अच्छा हो रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो स्नोफॉल हो रहा है भाई, मजा आ रहा है, हल्का फुल्का हो रहा है, इतना पता नहीं लग रहा। और ये आप देख सकते हो बादल किस तरीके से शानदार तरीके से, ये वाला पूरा बर्फ का पहाड़ दिख नहीं रहा, बहुत ऊंचे पहाड़ है ये। ये देखो रुई जैसी आ रही है फोन भाई, बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये देखो कपड़ों पे चिपकने लगी, हल्की फुल्की नहीं है, अब ठीक ठाक आने लगी है फोन, मेरे मुंह पे भी लग रहा है। मैंने अपनी लाइफ का पहला फॉल देखा है और अपनी गाड़ी अभी पहला फॉल देख रही है। और ये देखो कितनी मतलब अच्छे तरीके से गिरने लगी, रुई सी आ रही है। अरे भाई, ओ भाई, थोड़ा सा तो एक बार भर जान दो मुझे ऐसे, मेरे को दोबारा ये मोमेंट मिलेगा नहीं, मुझे लग रहा है दोबारा ये मोमेंट नहीं मिलेगा। सुपर ऑसम भाई, फॉल में क्यों इतनी खुशी मिलती है यार इंसान को। हमारे साथ के जितने भी व्हीकल थे ना सारे के सारे निकल चुके हैं और हम सबसे आखिर वाले हैं। और ये देखो ऊपर से चश्मे का पानी आ रहा है, ऊपर से कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। और वो अपने दोस्त वहां खड़े हैं आगे, वो आप देख सकते हो फोटोशूट वगैरह कर रहे होंगे क्योंकि फॉल हो रहा है। ऐसा नहीं कि इतनी खतरनाक जगह है फॉल, मतलब शूट करना थोड़ा सा टफ है बट ठीक है। एंड ये देखो कितना तगड़ा पहाड़ है भाई, कितना तगड़ा पहाड़ है भाई। ये देखो ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे गाड़ी वॉटर क्रॉस कर रही है, आगे वाली रपने वाली दोनों पास पास ही चल रही है। और दो चार वीडियो फोटो बना लेंगे यार यहाँ अगर रुकेंगे तो, क्योंकि इसके बाद में यार मौका नहीं लगता यार, गाड़ी साइड में लगाने की जगह देखते हैं उसके बाद बनाते हैं। ऊपर से काफी पानी आ रहा है, ये ऊपर ग्लेशियर है इस माउंटेन रेंज के ऊपर, भाई लोग बड़ा बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। अरे एंजॉय हो रहा है स्नोफॉल में, स्नोफॉल होने लग गए। और ये ऊपर से आ रहा है ठंडा ठंडा ग्लेशियर का पानी। और ये वाले जो आप माउंटेन देख रहे हो ना यहाँ से हो रहा है फॉल, इनकी सीट पे आप देख सकते हो, ये देखो स्नोफॉल हो रहा है भाई, जूम करने से पता लग रहा है कि फॉल हो रहा है, ऐसे पता नहीं लग रहा। तो यहाँ थोड़ा बहुत फोटोग्राफी की, मजा आ गया यहाँ। स्नोफॉल के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ज्यादा फॉल हो गया ना तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है ये बाइकर वाइकर को। ये देखो यार कैसे सींग बने पड़े हैं ऊपर बर्फ के, ये चीज तो देखने के लिए लोग दूर दूर से चल के आते हैं। और ये ताजा बर्फ है इस साल की, ये देखो। और हम धीरे 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 करते करते स्नो माउंटेन के पास होते होते आगे बढ़ रहे हैं। पड़ा स्लश और ऊपर देखो किस तरीके के माउंटेन आ गए हैं। और यहाँ पे क्या साइड का भी दिक्कत रहता है, हॉर्न देते हुए चले क्योंकि सामने से इनकेस कोई व्हीकल आ गया तो आप साइड कैसे दोगे यार। रोडे तो पतली है बट पूरी पूरी की पूरी ऑफ रोड वाली रोडे हैं ये, बस जितना हो सकता है गाड़ी धीरे धीरे करके निकालते हैं। और यहाँ देखो यहाँ स्लश है, इस जगह पे स्लश देखने को मिल रहा है, हो जाता है धीरे चले, जितना धीरे चलेंगे उतना सेफ रहेंगे। और चाय की बड़ी नीड सी नजर आ रही है, स्नोफॉल अभी भी हो रहा है, बहुत बड़ा खड्डा आया देखो आप कितना बड़ा है, लेकिन निकल गए। ये ऊपर से पानी भी आ रहा है बहते हुए। ये पूरी की पूरी रोड ना शूट के लायक ही है, अच्छी रोड है। इसका ना इतना डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखा, तो मैंने यही आज प्लान किया था कि इस रूट में ना पूरा डिटेल्ड वीडियो दिखाएंगे हम। झरना सा चल रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे ये वाटर क्रॉसिंग है। हल्की हल्की क्रॉसिंग तो आपको मिलती रहेगी इस रूट में हर जगह, और इसमें धीरे धीरे चल सकते हैं। आ गए बिल्कुल पहाड़ों से, लेकिन ऑफ रोड देखो कितना खतरनाक है ऐसे यार। रस्तों में ना गाड़ियों का, बाइकों का, सब चीजों का यार नुकसान हो जाता है, बस इसमें आपको बस यही है कि थोड़ा सा संयम रखना है। और ये देखो आगे बड़ा क्रॉसिंग है, ऐसे लग रहा है बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा जमा हुआ पानी है बर्फ का। हमें ना आगे बंदे में दिख रहे हैं ना पीछे बंदे दिख रहे हैं, हम अकेले चल रहे हैं इस खाई के बीचों बीच। रुकने की जो अरेंजमेंट्स रहती है ना, जैसे कोई मान लो कोई ढाबा आ गया कुछ आ गया, भाई ये सब कुछ ही बंद हो रखा है यहाँ पे। अब ना इंसान है ना इंसान की जात है दूर दूर तक,
और सामने पहाड़ आप देख सकते हैं कितने खतरनाक है। कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे रास्ते में, पूरा रास्ता सुनसान है। और हम, मुझे लग रहा है थोड़े से ही दिन का रह गया यहाँ का ट्रेवल, आगे ये रास्ता बंद हो जाएगा प्रॉपरली। ये शायद एक वीक में पूरा रास्ता बंद हो जाएगा क्योंकि इधर स्नोफॉल होने लग गया है। तो ये देखो यहाँ पे कितने लोगों ने अच्छा बुरा लिख रखा है यार, कोड कुछ भी, बड़े भैयात लोग हैं, पहाड़ों को भी नहीं छोड़ते हैं गंदा करने से। पहाड़ों को तो कम से कम बख्श दो, इन पे भी अपनी कारीगरी लिख गए यार। खड़ी है और ये जगह देखो कितनी खतरनाक है, उतनी सुंदर भी है लेकिन सीधे पत्थर पड़े हैं और कुछ नहीं है। देखो नीचे से, ये देखो जहां जहां पानी लगा है ना वहां, ये देखो बर्फ जमी पड़ी है। और आगे यहाँ देखते हैं, ये देखो यहाँ भी बर्फ जमी पड़ी है, मतलब जहां भी आप देख रहे हो ना वहां पे ये देखो बर्फ जमी पड़ी है, इतनी तकड़ी, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर लो है, पानी टच हो रहा है और थार पे बर्फ जम रही है, मतलब बहुत खतरनाक ही वेदर है यार यहाँ का, बहुत ही खतरनाक। अगर हम रात भर गाड़ी रोक दें अभी तो गाड़ी सुबह स्टार्ट भी नहीं होगी क्योंकि इतने लो टेम्परेचर में गाड़ी स्टार्ट करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, वो भी डीजल गाड़ी का, मतलब पत्थर ही बड़े हैं रोडों पे और कुछ नहीं है यहाँ के। यार रोड बने तो बने कैसे यार, ये रूट बंद ही रहता होगा यार विंटर टाइम में, 6-7 महीने तो ये बंद रहता है, कोई 5-6 महीने खुलता है, उसमें भी स्नो पड़ी रहती है आसपास। हमसे बाद में चले थे और हमसे पहले क्या चाय तीन, हाँ, और ये हमारे साथ है, ये तो यहाँ पे बड़ी हमसे पहले आ गए हैं यार, मैगी खा रहे हैं और व्यू देखो बाहर का नजारा। और ये थार अपनी, मतलब परफॉर्मेंस सुपर ब्रो। और ये जुड़वा भाई, ये जुड़वा भाई। और ये भाई आज ना मनाली पहुंच जाए, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी, इसकी बाइक ने इसको बहुत धोखा दिया यार। स्नोबोर्ड हो गया यार, सुपर अमेजिंग आज कहीं भाई, मजा आ गया अब सही है मामला। और ये हमारी हालत देखो आप, गजब भाई, स्नो बहुत हो रहा है शानदार वाला, और इधर से कुछ भी नहीं दिख रहा, बस स्नो ही स्नो आ रही है, बस मेरे को एक बार भर जाना है इसमें, लाइफ में फर्स्ट टाइम ये चीज देख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर हो गया यहाँ का सब कुछ। और ये देखिए, थोड़ा सा अगर रोशनी होती ना, हल्की सी रोशनी होती, ये देखो बिल्कुल वाइट वाइट हो गया, और हम भी भीग गए हैं अच्छे से। और ये अपनी गाड़ी देखो आप, ब्लैक पे वाइट जब गिर रही है ना, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। स्नोफॉल देखो कब से हो जा रही है, और इधर की वैली देखो बिल्कुल वाइट हो गई, अपनी थार के आगे देखो कितनी स्नो गिर गई है, वाइट। अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, चारों तरफ वाइट वाइट स्नो गिर चुकी है। और ये कुछ सचिन भाई की हालत है। तो गाइज अभी देखिए मैं खड़ा हूँ, ये एक ढाबा है, यहाँ पे हमने चाय वाय पी है, चाय के साथ साथ आप ये देखो यार क्या हमें शानदार देखने को मिला नजारा, वो भी स्नोफॉल का, आगे हो रहा है स्नोफॉल, आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्नोफॉल होने लग गया है, और मजा भी आ रहा है यार स्नोफॉल में ड्राइव करते हुए, धीरे धीरे जा रहे हैं। और बस ये बोलना था कि अपनी गाड़ी पूरा स्नो से भर गई। गाइस देखो स्नोफॉल बहुत बढ़िया हो रहा है बाहर की तरफ, और ये देखो अपनी गाड़ी पे भी आप देख सकते हो हर जगह बर्फ ही बर्फ हो गई है, और कैमरा भी यार यहाँ थोड़ा सा अजीब हो रहा है, मामला साफ नहीं है शायद।
स्नोफॉल के चक्कर में भी यह वीडियो और भी लंबा हो जाएगा और अंदर गाड़ी में थोड़ा सा फोगी फोगी सा हो गया है। तो ये देखिए स्नोफॉल के चक्कर में मामला थोड़ा सा धीरे चलने लग गया है। आगे शायद ना भी मिले लेकिन यार मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल मैंने देखी है, बर्फ हमेशा गिरी हुई देखी है तो ये चीज के बाद में बड़ा बढ़िया फील आ रहा है। और ये देखो आप माउंटेन्स ऊपर से क्लियर ही नहीं है क्योंकि यहाँ आसपास स्नोफॉल होता है ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डार्कन सा हो जाता है। तो अपने साथ के जो भी लोग हैं वो आगे हैं और मैं पीछे पीछे सबसे पीछे हूँ। वैसे तो क्या है कि आगे 17 किलोमीटर बाद रोड आ जाएगी, ग्रम्फू आ जाएगा, ग्रम्फू के बाद में हम रोड पे चढ़ जाएंगे। 17 किलोमीटर का यही ट्रेल जो है इसके बाद तो भाई सब सेट हो जाएगा, उसके बाद स्पीड बन जाएगी अच्छी। तो स्नो का बहुत बड़े बड़े ये इस तरीके के मतलब बूंदे सी आके गिरने लगी इज लाइक ये देखो बिल्कुल रोड व्हाइट भी हो गई है। तो ये चीजें तो ऐसा लग रही है जैसे ओड़े गिरने लग गए हो, स्नोफॉल इतना तेज हो गया है होना और रोडे देखो बिल्कुल व्हाइट देखने को मिलने लग गई हमें। तो स्नोफॉल भाई बढ़ रहा है जैसे जैसे आगे जा रहे हैं। अब मेरा तो दिल ये कर रहा है कि इन लोगों को मैं ओवरटेक करके थोड़ा सा सही स्पीड मेंटेन कर पाऊं, थोड़ा सा टाइम से हम कहीं पहुंचे। और यहाँ देखो कितनी स्पीड बढ़ गई है यार, बहुत तेज हो गया है ये मामला, ये इधर भी सब भर गया है, व्हाइट व्हाइट हो गया सारा। हाँ जीवन में कभी स्नोफॉल नहीं देखा, देखा तो ऐसा देखा कि मजा आ गया। गाइस 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 देखो देखो बिल्कुल व्हाइट हो गया यार, बिल्कुल व्हाइट हो गया रोड, थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि टायर सपने तो ठीक है, आगे आगे गाड़ी चल रही है। और देखो अब कितनी तेज स्नोफॉल आने लग गई, अब तेज आने लग गई है और हर जगह मतलब ये कह सकते हो कि रोड पे ना आपको व्हाइट व्हाइट दिखने लग गया है। और मेरे को लग रहा है कल मॉर्निंग तक यहाँ तीन तीन चार चार फुट स्नो हो जाएगी। गाइज वो देखो आप सामने की साइड में वो सारा का सारा उधर हो रहा था स्नोफॉल एंड अभी नहीं हो रहा है, अभी हम आ गए थोड़ा सा और नीचे, अभी नहीं हो रहा, अभी आगे चल के ग्रम्फू नाम की जगह आ जाएगी और हम अभी थोड़ी सी देर में पहुंच जाएंगे मनाली। आज पूरा दिन बिना नेटवर्क के आए हैं, नेटवर्क नाम की चीज ही नहीं है कहीं पे। और इधर ऊपर जाके रोहतांग पास आता है तो वो आगे चल के आएगा। देखो कैसी रोड है यार, पूरी रोड पे पत्थर पड़े हैं भाई साहब, पत्थर पड़े हैं पूरी रोड पे। शायद ऊपर से हल्का फल्का स्लाइड आया है यहाँ पे लेकिन ठीक है यार, हम लकी हैं जो अभी तो निकल लिए। और ये क्या बारिश बारिश आई हुई है इधर, तो बारिश से क्या लैंडस्लाइड आ जाता है तो इधर थोड़ा बहुत स्लाइड आया तो उसकी वजह से रोड पे पत्थर भरे पड़े हैं। हम काफी फास्ट आ लिए यहाँ तक, थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ाई थी अपनी गाड़ी की और उस अकॉर्डिंग क्या है थोड़ा सा सही आ लिया मैं नीचे क्योंकि ऊपर स्नोफॉल हो रहा था, अभी स्नोफॉल नहीं है। ये देखो ऊपर यहाँ से भी पिघल गई है बर्फ और अभी आगे जाम है भाई, सड़क बहुत पतली है तो ओवरटेक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जैसे ही वो हमारे बाइकर भाई वो वहां से जा रहे हैं, ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये है अपना रोहतांग पास और अब अभी थोड़ी सी देर में पहुंच जाएंगे अपने ग्रम्फू नाम की जगह पर। ग्रम्फू में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि उसके बाद में रोड आ जाएगी डंकी टारकोल वाले, भाई जान निकल गई आज इस रोड पे, सिस्टम बिल्कुल हिल गया। फाइनली कर डाला आ जाओ। अरे भाई गजब, अब मजा आएगा ड्राइव करने का यार, फाइनली रोड मिली है हमें। सी ओह माय गॉड दिस इज सुपर सुपर अमेजिंग। भाई लोग भी पहुंच गए और मेरे को वेलकम करने सामने पहुंचा राहुल भाई है। राहुल कल्ला नहीं पहुंचा, ये भी पहुंची है। अरे उत्कर्ष भाई। अरे भाई तो सही यही उम्मीद थी, फाइनली थार आप देख ही सकते हैं कितनी रफ टफ हालत में यहाँ पे पहुंची है। इसमें हर जगह पहले बार बर्फ ही जम गई थी, बड़ी बुरी हालत में पहुंची है और आपको अभी भी हम बर्फ दिखा सकते हैं। ये देखिए ऊपर की साइड में फुल बर्फ है अभी भी एंड ये अपना राहुल भाई आ गया था। फाइनली अटल टनल आ गई है, यानी हम मनाली पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं, और ये ब्रिज और वो आगे अटल टनल। अभी बस एंट्री लेंगे टनल के अंदर, फाइनली हम घुस चुके हैं टनल के अंदर। जो दिख रहे हैं ना एक तरफ पत्थर, सड़कें टूटी हुई, ये सब बाढ़ की वजह से है, नहीं तो पहले तो ये रोड बहुत सुंदर हुआ करती थी। देखो कितनी पतली हो गई रोड, अब एक टाइम में एक ही व्हीकल निकल पाता है यहाँ से कुछ कुछ जगहों पे। तो अभी यहाँ आगे चल के इस भाई की जिसकी बाइक वो खराब हुई है उसको छोड़ना है यार, उसकी बाइक का गियर वेयर टूट गया, दो तीन चीजों का नुकसान हो गया। तो वो कल जयपुर निकलेंगे और कल मैं भी कोई नई डेस्टिनेशन ढूंढूंगा, मनाली का तो मेरा प्लान नहीं है रुकने का।